गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। अभी तक हमने जो भी अपने क्लासेस करी है उसमें गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण चैप्टरों को जो है पढ़ा हुआ है ना। पिछले क्लास में हमने दशमलव प्रणाली से संबंधित इकाइयों को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में पढ़ा। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें अपन पढ़ेंगे संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, जिसमें हम जानेंगे सरलीकरण और बोर्ड मास के प्रयोग को कैसे करते हैं और बोर्ड मास का प्रयोग करके हम क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बोर्ड मास होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो बोर्ड मास जो शब्द है, इस पे जो भी अलग अलग अक्षर हैं, इन सभी अक्षरों का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग मतलब होता है। तो चलिए इसी को आज हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसी को आज हम जानते हैं, बोर्ड मास का प्रयोग, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो बी आता है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, है ना। कोई भी प्रश्न यदि हमको दिए गए हैं तो सबसे पहले काम हमको करना है ब्रैकेट को हटाना, कोष्टक के अंदर जो भी वैल्यू दी गई है उसको पहले सरल करना। उसके बाद दूसरा आता है ऑफ, ऑफ यानी का मतलब होता है गुणा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डी, डी जिसका अर्थ होता है डिविज़न यानी भाग। जैसे ही अपन कोष्टक हटाएं उसके बाद, ठीक है, कोष्टक के बाद हमको जो भी संख्या है कोष्टक के अंदर रहेगी उसका गुणा करना है। उसके बाद अगर कोष्टक के बाद अगर भाग में हमको वैल्यू दी गई है तो उस भाग वाले पार्ट को पहले सरल करनी है। इसी तरीके से भाग वाले पार्ट को सरल करने के बाद अगर वो गुणा में हमको दिया हुआ है तो उस गुणा को जो है सरल करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है ए, ए का मतलब होता है एडिशन, जिसका मतलब होता है कि जोड़ना, ठीक है। गुणा के बाद यदि प्लस में वैल्यू दी गई है तो उसका जो है हल जो है पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी घटाओ। तो ये तो हो गया बोर्ड मास का प्रयोग, ठीक है। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद जो भी उसके अंदर में रहेगा उस वैल्यू को गुणा करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बोर्ड मास। अब इसके बाद देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में जो कि इस जो है चैप्टर में यूज हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बीजीय व्यंजक के कुछ फॉर्मूले हैं ना, बीजगणित के कुछ फॉर्मूले हैं, तो ये जो है यूज हो सकता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आप जानते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरीके से ए का घात तीन माइनस बी का घात तीन होता है हमारा ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस वाले में हो जाएगा हमारा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आता है ए का घात तीन प्लस बी का घात तीन प्लस सी का घात तीन माइनस थ्री ए बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि यहाँ पे है ना, यहाँ पे यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य ले लें, ठीक है, तो इस पूरे वैल्यू का मान जो है शून्य हो जाएगा और ए का घात तीन प्लस बी का घात तीन प्लस सी का घात तीन बराबर हो जाएगा हमारा थ्री ए बी सी। अगर अगर क्या हो कंडीशन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो मान है वो शून्य हो तब के कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य हो तो इतने का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो इसका होता है ए का घात तीन माइनस बी का घात तीन माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरीके से प्लस वाले का हो जाएगा ए का घात तीन प्लस बी का घात तीन प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ठीक। तो ये हो जाता है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो बीजगणित के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेसिमल में, है ना। इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे सरल करेंगे इसको, सबसे पहले काम ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले काम हमारा रहता है दशमलव को हटाना, है ना। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया है 0.125
प्लस 0.027 पूरे का बटे 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले जो संख्याएं दी गई है ना, ऊपर वाली जो संख्या दी गई है उसमें कैसा है, दशमलव के बाद तीन संख्याएं हैं, इसमें भी दशमलव के बाद तीन संख्याएं हैं ना। मतलब यदि हम दशमलव हटाते हैं तो हमको 1000 का जो है नीचे में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे में देखिए यहाँ पे 0.25 है, यहाँ पे 0.15 है, यहाँ पे 0.09 है। मतलब अगर हम नीचे की वैल्यू को देखें तो नीचे की वैल्यू में दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, है ना। मतलब हमको जो है 100 का ऊपर में गुणा करना पड़ेगा। तो बस इतना सही करना था। तो यदि मैं दशमलव हटाता हूँ ऊपर वाले का तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, प्लस प्लस दिया है तो प्लस हो जाएगा, 27 हो जाएगा, क्योंकि सामने जीरो है तो कोई मतलब नहीं है दशमलव हटने के बाद। बटे ये हो जाएगा 25 प्लस सॉरी माइनस, ठीक है ये माइनस है, ठीक है 25 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए ऊपर में जो है दशमलव के बाद तीन संख्याएं थी, तो हम नीचे में क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे, और नीचे में हमारा क्या था, दशमलव के बाद दो ही संख्याएं थी, इसलिए हम ऊपर में क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बनाते हैं। अब ये हो गया हमारा, दशमलव हट गया, अब आसानी से हम सरल कर सकते हैं, इनको जोड़ दीजिए। तो 125 और 27 को जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 152। ठीक है, गुणित 100 पूरे का बटे, इसको कर दीजिए तो 25 में 15 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 19 गुणित 1000। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 19 से कम 19, और 19 8 क्या होता है, 152 होता है। ठीक है, 19 8 क्या हो जाएगा, 152 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8/10। ठीक है, 8/10 को सरल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8, क्योंकि यहाँ पे 10 है, 1 0 है, इसलिए एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.8। ए ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सरल करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है इस तरीके से, है ना, ये बोर्ड मास पर डिपेंड करता है, बोर्ड मास के नियम यहाँ से लागू होंगे। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनेगा, ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 63 प्लस 9 माइनस 6 गुणा 7 प्लस 6/3 माइनस 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद फिर ब्रैकेट का गुणा करते हैं लेकिन है नहीं यहाँ पे, फिर क्या करते हैं डिवीजन करते हैं, है ना, यानी भाग वाले को पहले सरल करेंगे। तो ये वाला हमारा भाग वाला है, इसको अपन पहले सरल करेंगे। हो जाएगा 63 प्लस 9 माइनस 6 × 7 प्लस, अब 6/3 करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो ये 2 - 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम गुणा वाले पार्ट को सरल करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 9 माइनस 7 × 6 कर दीजिए तो 6 × 7 = 42 हो जाएगा, प्लस 2 - 2। उसके बाद जोड़ वाले को कर सकते हैं, है ना, उसके बाद फिर घटाना वाला कर सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 × 3 = 12 हो जाएगा, यानी 72 हो जाएगा यहाँ पे, -42। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे -2 है, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मैं 0 ही लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ से 72 - 42 हो गया, जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, बी ऑप्शन जो है आ गया। ठीक है, तो ऐसे सरल जो है करते हैं, अगर आप बोर्ड मास का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो जो है आंसर भी आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसमें ब्रैकेट भी है साथ में, चलिए सरल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से, है ना, ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 हो गया, यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद फिर छोटा ब्रैकेट है,
फिर ये -2, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो गुणित 5 कर देता हूँ मैं। अब यहाँ से ब्रैकेट हट गया, उसके बाद फिर क्या लिखा है, गुणा है ना, फिर उसके बाद गुणा दिया हुआ है 20 का है गुणा, ठीक है। उसके बाद पूरे का मतलब इस पूरे का जो है क्या है, भाग दिया हुआ है, अंदर में जो वैल्यू रहेगी पूरे का भाग 2 क्या दिया है। अब देखिए 1/2 तो इस पूरे के साथ में है ना। अब फिर अंदर वाले ब्रैकेट को सरल करेंगे तो गुणा करते हैं ना, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 20 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 हो गया, 5 दूनी 10, ये 20, 200 हो गया। उसके बाद भागित 2 है, ठीक है, यहाँ पे इसको छोटा ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पूरे के साथ क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, ठीक है। अब ये हो गया इस तरीके से, अब ये 1/2 हो गया। अब -200 भागित 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -100 आ जाएगा, है ना। 200/2 करेंगे तो -100 हो जाएगा। अब इसको फिर से वो कर दीजिए तो -100 -100/2 हो जाएगा, है ना। मतलब फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस में 50 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। इस तरीके से तो आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जब हल करते हैं बोर्ड मास्टर का नियम लगा करके, तो आसानी से जो है हल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है ना, बहुत ही सरल है ये, बहुत ही ईजी है, तो ये इसको आसानी से बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। बना करके आंसर क्या आएगा ये सभी के सभी जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर 5, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो भी इस तरीके से मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, इसको पहले हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसको सरल करेंगे। तो सबसे पहले 11 सही 1/4 दिया है, इसको चेंज करेंगे तो 11 चौक 44 और 1 45 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 45/4। फिर भाग दिया है तो भाग कर लीजिए, फिर यदि है 5 15 और 16 17 18, तो ये हो जाएगा 18/5, ठीक है। उसके बाद फिर गुणा दिया है 6 सही 2/3, तो ये जाएगा 6 3 18 और 2 20, हो जाएगा 20/3। फिर प्लस में दिया है 1/6 इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको चेंज कर दिए अपन। अब सबसे पहले डिवीजन करते हैं, तो इस वाले पार्ट को पहले सरल करेंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को सरल कर दीजिए, तो देखिए भाग को यदि मैं गुणा में चेंज करता हूँ तो ये वाला संख्या ऊपर चला जाता है, मतलब हर जो है अंश बन जाता है, अंश जो है हर बन जाता है। तो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 45/4, गुणा में जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5/18, ठीक है। अब यहाँ पे फिर गुणा दिया है तो ये हो जाएगा गुणा 20/3। उसके बाद फिर प्लस में दिया है 1/6, है ना। उसके बाद हम प्लस वाले को जो है पहले सरल करते हैं, सॉरी गुणा वाले को जो है पहले सरल करते हैं, तो जो गुणा में दिया है उसको सरल कर लेते हैं, तो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं सबसे पहले, तो है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 1 कम और 3 1 कम 3, 3 5 6 15, ठीक है, हो गया ये। फिर ये 4 1 कम और 4 5 6 20 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए अब ऊपर में हो गया हमारा 15 गुणित, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 बचा है, यानी 5 5 25 हो गया, 15 गुणित 25 हो गया, 1/18 हो गया, ठीक है। प्लस में दिया है 1/6 दिया है ना। और अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं, नहीं कट रहा है तो नहीं कटाएंगे, तो नहीं कट रहा है अभी, अब इसको सरल कर देंगे अपन। तो देखिए ये 6 है, ये 18 है, तो इसको 18 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, तो ऊपर में भी 3 का गुणा करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा पूरे का 1/18, और ये हो जाएगा अब इसको अपन सरल कर लेते हैं, तो 15 5 75 की 5 आ गया, हासिल 7, 15 2 30 और 7 37, तो 375 आ गया, प्लस ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 375, 3 जो है जोड़ देंगे तो जाएगा 378 हो जाएगा, भागित 18, ठीक है। देख लीजिए कट रहा है क्या, ये तो 18 से कटाएंगे तो 18 2 36, और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 18 1 18 आ जाएगा, यानी क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर जो है 21 आ गया, यानी डी ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से जो है हम हल करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए क्या दिया है। हाँ, ये इस तरीके से दिया हुआ है ना, चलिए हल करते हैं। सबसे पहले पाँच है, पाँच में फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा वाला, उसके बाद 3/4, फिर प्लस, फिर छोटा वाला एक ब्रैकेट और लगा हुआ है। अब इसको सही बटे को पहले तोड़ लेते हैं, तो 2 2 4 1, 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है 0.5, इसको मैं 1/2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना, 0.5 यानी 1/2 होता है, ठीक है। प्लस ये देखिए 1/8 दिया है, माइनस 1/9 दिया है ना, तो इसके ऊपर में ये बार लगा है, और इस तरीके से किसी भी संख्या के ऊपर में ऐसा वाला जब एक दंड लग जाता है, तो इसका मतलब होता है कि इसके जो अंदर में आने वाली संख्याएं हैं वो क्या होंगी, प्लस में होंगी, है ना। अगर ये नेगेटिव में आती है सरल करने के बाद, तो वो ऑलरेडी जो है प्लस हो जाएगी, ठीक है, मतलब धनात्मक होती है वैल्यू उसके अंदर आने वाली, ठीक। अब इसको सरल करते हैं अपन तो ये हो जाएगा 9 1 9, 8 1 8, मतलब ये हो जाएगा 9 - 8/9, 8 72, ऐसे सरल कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये इस तरीके से हो जाएगा बराबर, ये भी फिर लिख देते हैं 5 - 3/4, जो कहते हैं उतार देते हैं, प्लस ये हो जाएगा 5/2 माइनस। अब इसको सरल करेंगे जब हम, तो 1/2, अब देखिए 9 - 8 है ना, 9 - 8 करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना, ये हो जाएगा प्लस 1/2, यहाँ से हो जाएगा 72, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर सरल करिए इसको, 5 माइनस, ये हो जाएगा 3/4, प्लस यहाँ से देखिए इसको, है ना, ये हो जाएगा 5/2 माइनस, माइनस हो जाएगा। अब इसको सरल कर दीजिए, देखिए इसको सरल करेंगे तो ये 36 2 72 हो जाएगा, है ना, तो ये 36 ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, तो 37/37 कितना हो जाएगा, नीचे में 72 हो जाएगा, इस तरीके से ऐसा, ठीक है। अब फिर इसको जो है हल करते जाएंगे, चलिए हल करते जाते हैं। 5 - 3/4 प्लस, अब देखिए ठीक है, यहाँ पे भी 36 का गुणा करेंगे तो 72 आएगा, तो ऊपर में भी हमारा 36 का जो है गुणा करना पड़ेगा, है ना, ऊपर में भी हमारा 36 का गुणा करना पड़ेगा, तो कर दीजिए गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा ये देखिए 5 6 30, 5 15 18 हो जाएगा, ठीक है, 180 - 37/72, ये पूरा हो जाएगा इस तरीके से, है ना। चलिए फिर अब इसको बंद कर देते हैं, नेक्स्ट हल करेंगे तो 5 - 3/4 प्लस, अब 180 में 37 घटा दीजिए कितना आएगा, 143 आएगा, बटे 72 आएगा, अब ये ब्रैकेट से बाहर निकल गया, है ना। फिर इसको जो है हल करेंगे तो जाएगा 5 माइनस, अब इसको हल कर दीजिए, अब ये 4 को 72 कैसे बनाएंगे, 18 का गुणा करेंगे, तो ऊपर में भी 18 का गुणा करना पड़ेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 प्लस 143 अपॉन, ये हो जाएगा 72, ठीक है। इधर सरल कर देता हूँ बाकी बचे को, ये हो जाएगा 5 - 72 और 143, है ना, सॉरी 18 * 54 हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 54, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 - 54 प्लस 143/72, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो 54 और 143 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 197 आ जाएगा, यानी 5 - 197/72। अब इसको फिर सरल करेंगे तो इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं, है ना, तो गुणा कर दीजिए कितना आएगा, 5 2 10 और 5 7 5 7 35 और 1 36, 360 माइनस 197/72, ठीक है, तो इसको घटा दीजिए तो 10 में 7 घटाएंगे तो 3, ठीक है, उसके बाद फिर 6 में
16 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, 16 में 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर ये 6 और ये 9 था, है ना, मतलब यहाँ पे 16 में 10 घटाए थे, ठीक है, तब 6 आ गया, ये 16 में 10 घटाए 6 आ गया। फिर 3 में यहाँ पे ये 2 बन जाएगा, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 163 63/72 आ गया फाइनली। देख लीजिए कौन सा आया, बी ऑप्शन, है ना। तो इस तरीके से ये बनाएंगे, थोड़ा सा पेचीदा है, लंबा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब सब सरल करते जाते हैं तो आसानी से जो है आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 इस तरीके से दिया हुआ है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है 0.6, बी की वैल्यू दी गई है 0.5, तो ए का घात 4 प्लस बी का घात 4 बटे ए का घात 2 प्लस बी का घात 2 हमको जो है बतानी है। तो सरल कर दीजिए, ए का घात 4 माइनस बी का घात 4 बटे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, बराबर। अब देखिए ए के जगह पे हमारा 0.6 है, बी के जगह पे 0.5 है, तो पहले तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए का घात 2 पूरे का घात 2 माइनस बी का घात 2 पूरे का घात 2, ऐसे लिख सकता हूँ, बटे ये दिया है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब देखिए ये वाला हमारा किस में आ गया, ये वाला आ गया हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में, जिसका क्या होता है, ए प्लस बी होता है एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है ना, इस तरीके से होता है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पहले कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे में बटे दिया हुआ है ऑलरेडी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो है बस बचेगा। अब इसी में बस लगाना है, तो ए के जगह में 0.6 का स्क्वेयर हो जाएगा माइनस बी के जगह में 0.5 का स्क्वेयर हो जाएगा, और 0.6 का स्क्वेयर जब हम करते हैं तो ये आता है हमारा 0.36 यानी 36 माइनस 0.25 यानी 25, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसको सरल करेंगे तो 36 में 25 घटा दीजिए तो 11 आ जाएगा, 0.11, तो आ गया हमारा ए ऑप्शन जो है इसका फाइनल जो है आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सरल करेंगे, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, इसको सरल करना है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये 0.87 गुणित 0.87 गुणित 0.87, ये 3 बार दिया है, मतलब एक का घात 3 हो गया, ठीक है, 0.13 गुणित 0.13 गुणित 0.13, ये भी 3 बार दिया है, तो इसको हम बी का घात 3 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे में देखिए, फिर ये दोनों आपस में गुणा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद फिर ये और ये दोनों गुणा है, मतलब ए बी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये गुणा है तो ये हो जाएगा बी का घात 2, ये क्या हो जाएगा, बी का घात 2। तो आप लोग एक छोटा सा फॉर्मूला, पहले जो मैंने बताया था बीजगणित का, ए का घात 3 माइनस बी का घात 3 का, क्या बताया था मैंने, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता था, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, है ना, ये जो है मैंने बताया था, ठीक है। तो यदि मैं इसको इधर ले आता हूँ, है ना, यदि मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए का घात 3 माइनस बी का घात 3 हो जाएगा पूरे का बटे ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर हो जाएगा, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या ये वाला जो है ऐसे फॉर्मेट में है, तो बिल्कुल है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ए का घात 3 माइनस बी का घात 3 बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस वाले में आ गया ये पूरा फॉर्मूला। तो हम इसके जगह पे ये केवल लिख सकते हैं, तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ए के जगह पे हमारा दिया है 0.87 माइनस बी के जगह पे हमारा दिया है 0.13, बस इसको क्या करना है आपको, घटा देना, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
87 में 13 घटाएंगे तो 74, 0.74 आ गया। तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन आपका, ठीक है। बहुत ही सरल था क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला इसमें जो है बनता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है, इसको जो है सरल करना है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको सरल करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सरल करते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप सरल करेंगे। पहले ये ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ये ब्रैकेट हल करेंगे, उससे संबंधित जो है ये वाला ब्रैकेट जो है हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सरल कर लेते हैं इसको, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ऐसे हल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी पूरे का 1/2 आ गया, है ना। एक सरल करके बता देता हूँ मैं, वैसे ही जाएगा। फिर 1 -1/2 है पहला ब्रैकेट, इसको जब हम सरल करेंगे तो पूरे 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 -1, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। मतलब पूरे का क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक। तो इसका मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/2। अब इसको भी हल करिए, तो ये 3 1 कम 3, 3 में 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणित 2/3 आ जाएगा। फिर गुणा, कोष्टक यानी गुणा हो जाता है ना। फिर इसको हल करेंगे 4 1 कम 4, और 4 में 1 घटाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 3/4। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे देखिए 100 1 कम 100, 100 में 1 घटाएंगे तो 99 जाएगा, 99/100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला संख्या है ना, इसका हर दूसरे संख्या के अंश से कट रहा है, इसी तरीके से दूसरे संख्या का हर तीसरे संख्या के अंश से कट रहा है ना। मतलब यहाँ पे भी जो आएगा, ठीक है, ये वाला इसके अंश से कट जाएगा, उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 99 आएगा, ये वाला जो हर है उसके अंश से कट जाएगा। मतलब पहला जो संख्या है उसका अंश और अंतिम जो संख्या है उसका हर बस बचेगा, बाकी संख्याएं बीच का जो है कट जाएगा। तो फाइनल हमारा कितना जाएगा, 1/100 जो है आंसर आ जाता है ना। सरल करते जाते हैं तो ये बनते जाते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा आ गया, ठीक है, 1/100, ठीक है, बहुत ही इजी था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का। अब देखिए इसमें भी वैसे ही तरीके से होगा, बस हमको सीक्वेंस जाननी है कि ये कैसे हो रहा है ना। तो देखिए पहला का 1 -1/3 है, इसको जब हम सरल करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 -1/3 यानी 2/3 आ गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीक्वेंस को लिख लेते हैं, 2/3 आ गया। इसको जब हम हल करेंगे, 4 1 कम 4 -1 यानी 3/4 आ गया, ठीक है। गुणित 5 1 कम 5 -1 यानी 4 4/5 आ गया। इसी तरीके से जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, अब इसको हल करिए तो ये n-1/n हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इसका भी वही सेम सीक्वेंस बन रहा है ना, शुरू शुरू करते जा रहा है, इसलिए इसका भी ये वाला इसके पहले जो आएगा उससे कट जाएगा, n बस बचेगा। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा, शुरू का 2 और लास्ट का 1 संख्या, यानी 2/1 जो है, n जो है ये बच जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन आ जाएगा, 2/n, ठीक है। सेम था ये भी, बहुत ही ईजी था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं अपना 11वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 11वां क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि x प्लस वाई बराबर 7, 4x-3y = 7 हो, तब जो है x तथा y के मान कौन से होंगे, है ना। x और y के जो है वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला हम समीकरण लिख लेते हैं, x+y = 7 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है दूसरा हमारा, 4x-3y = ये भी 7 हमारा दिया हुआ है। तो ये 2 समीकरण हमारे बनते हैं, है ना। इसमें क्या कर दीजिए, इसमें आप 3 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि इसको हमको कटा करके x और y की वैल्यू निकालना है। तो 3 का गुणा करेंगे पूरे समीकरण में, तो ये हो जाएगा 3x+3y = 3 7 21 हो जाएगा, और नीचे का ज्यों का च्यों रहेगा, इसमें कोई गुणा नहीं किए हैं अपन, ये जाएगा 3y = 7। अब ये वाला नया समीकरण हमको मिल गया, इसको जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो ये माइनस में दिया है, ये प्लस में दिया है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7x बराबर, ये भी जुड़ जाएंगे आपस में,
कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। ये x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब एक वैल्यू हमारा मिल गया x बराबर 4। तो देख लीजिए, और सरल करने की ज़रूरत है क्या, x बराबर 3 है, x बराबर -3 है, x बराबर 4 है, x बराबर -4 है। तो यहाँ से अभी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सरल करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। एक्स बराबर 4 तो सी वाला आ गया हमारा। अगर एक्स बराबर 2 जगह 4 4 रहता तो और सरल करते, या फिर कर भी सकते हैं आप, एक्स की वैल्यू जो है इसमें रख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पे 4 + y = 7 हो जाएगा, तो y = 3 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, चूंकि ऑप्शन में हमारा अलग अलग दिया है, इसलिए सी जो है डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम हल कर सकते हैं। तो ये हो गया बोर्ड मास और इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है हमने आज जाना, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा अगर सेशन, तो बिल्कुल लाइक शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, गुड नाइट।